कि इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, कि ये फैसला था खुदा का। आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दूं, कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, कि आप कहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इतने वीडियो लेके आते हैं शेर व शायरी के हवाले से, आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई। एक दफ़ा फिर आपके भरपूर फरमाइश के बाद अहमद भाई को हमने स्पेशली इनवाइट किया है कि आवाम के लिए आज कुछ रोमांटिक, कुछ सैड और कुछ रिश्तों के हवाले से शेर व शायरी की जाए। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, आज का जो हमारा मवाद है वो थोड़ा सा मल्टी होना चाहिए, क्योंकि बीच में हमारे उसमें रोमांटिक फैंस भी काफ़ी हैं और सैड फैंस भी काफ़ी हैं, तो थोड़ा मिक्सअप होना चाहिए आज हमारा। जी बिल्कुल, मैं इस वजह से ही मतलब रोमांटिक शायरी भी पढ़ता हूँ, सैड शायरी भी। हमारा सबसे पहला जो शेर है वो किस हवाले से होगा? वो तो सैड शेर है जो मैं पहला शेर बोलना चाहूँगा, कि ये फैसला था खुदा का। ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की? ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की? हम तुमसे उतना ही दूर हो गए जितना कोशिश की थी तुम्हारे करीब आने की। क्या बात है जी, क्या बात है। नहायत ही सादा आगाज़ किया, नहायत ही छोटी सी उम्र में दूरियां भी इख्तियार कर ली हैं आपने और शेर व शायरी के बुलंदियों को भी छू रहे हैं, क्या वजूहत है? नहीं नहीं, ऐसी सिर्फ बात नहीं आपके लिए, क्योंकि मैं आज जहां भी हूं, जो भी हूं, जैसे भी हूं, जब सब अपने फैंस की वजह से हूं, तो इसलिए मैं अपने फैंस के लिए ही ऐसी सैड शायरी और मोहब्बत वाली शायरी और एक मैसेज वाली शायरी बोलता हूँ। लोग बहुत तो पूछते हैं आपसे कि आपका प्यार तो नहीं है, चलिए आज कोई प्यार के ऊपर ही शेर सुनाते हैं। कि आप कहें, आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दूं। क्या बात। आप कहें तो चांद सूरज को भी तोड़ लूं, इतना काफी है कि दो तीन झूठ और बोल दूं। क्या बात है जी, क्या बात है। आजकल वैसे मोहब्बत में इस तरह हो रहा है, बातें लंबी लंबी होती है, जब टाइम आता है तो फिर आपको पता है। वैसे आजकल की जनरेशन के हिसाब से मैंने शेर बोला है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता है, फिर बाद में सब कुछ बदल जाता है। पहले कहते चांद तोड़ देंगे, तारे तोड़ लाएंगे, आसमान को छू लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन एंड द एंड जब मौका आता है, जब ऐसा कुछ भी होता है। अगला शेर आपके, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, चेहरे में है कुछ, आंखों में है कुछ, दिल में कुछ है, अगर यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। क्या बात है, क्या बात है अहमद भाई, कितना अच्छा सबक दिया आपने शेर व शायरी के दौरान, आपने सब बातें कह दी हैं। तो अहमद भाई, आज तो आपने वाकई में मल्टी शेर व शायरी की है, मोहब्बत पे भी कर दी है, सैड भी कर दिया, सबक भी दे दिया है। एंड द एंड लास्ट शेर आप किस हवाले से बोलेंगे? मतलब कि इंसान जब दुखी होता है कि वो किस चीज़ से टूट जाता है इंसान, इसी में मैं एक शेर बोलूँगा कि इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। क्या बात है अहमद भी, क्या बात है। माशाल्लाह जी, आज की शेर व शायरी हमारी मल्टीनेशनल शायरी थी थोड़ी सी, और फुली मल्टी माहौल था इसमें शेर व शायरी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि हर किस्म के फैंस को आज की हमारी शेर व शायरी पसंद आएगी अहमद भाई की, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जनरेशन को, हमारे न्यू टैलेंट को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह इनको आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जाते हैं अपने होस्ट नबील मालिया को, अल्लाह हाफिज़।